हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पुलिस मोबाइल को कैसे ट्रैक करती है? चलो मैं आज आपको बताता हूँ। जब कभी आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने पर पुलिस आपके IMEI नंबर जरूर मांगता है। यदि आपके पास यह न हो तो अधिकारी और तरीके से फोन को ट्रैक करते हैं। IMEI नंबर का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन होता है। यह हर डिवाइस पर अलग अलग होता है और उसकी वजह से डिवाइस को हम ट्रैक कर सकते हैं। मोबाइल को ट्रैक करने के लिए ट्रायंगल मेथड का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मोबाइल ऑन होने के बाद सिम नेटवर्क टावर से कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद पुलिस को सिम कंपनी की मदद से अंदाजा मिल जाता है कि सिम टावर से कितना रेंज पर है। आमतौर पर यह रेंज 2G, 3G, 4G के लिए अलग अलग होती है। जैसे पुलिस को पता चल गया कि मोबाइल टावर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यह दूरी टावर के चारों तरफ होती है। ऐसे ही उसके सटीक लोकेशन जानने के लिए पुलिस को मोबाइल के दूसरी नजदीक के टावर की जानकारी चाहिए होती है। जब पुलिस को फोन के नजदीक 3 टावर की जानकारी मिल जाती है तो ट्रायंगल मेथड का बड़ा काम आता है, जिससे मोबाइल टावर के चारों तरफ के कितनी भी दूरी पर क्यों ना हो पुलिस आसानी से पता लगा पाती है और पुलिस अपराधी के पास पहुंच जाती है। चोर मोबाइल चोरी करने के बाद उसमें मौजूद सिम फेंक देता है, लेकिन अगर इस फोन में जब भी कोई दूसरा सिम डलते हैं तो उसकी जानकारी सिम कंपनी को पता चल जाती है, क्योंकि पुलिस सिम कंपनी को इस IMEI नंबर पर निगरानी रखने को कहते हैं। ऐसे जब भी IMEI सिम डलता है तो पुलिस वहाँ तक पहुँच जाती है।